सो गाइस, ये है हमारा रूम साउथ गोवा का एगोंडा। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा वॉशरूम था ये भी। हमने यहाँ की वीडियो बनाई और काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख रहे होंगे सीनरी के साथ। और ये पेड़ बीच में जो था ना, ये अलग ही कंसेप्ट था और एकदम बाली वाला फील दे रहा था। और ऊपर दिख रहे हो वुडन का, और ये सुंदर सा मिरर काफ़ी बड़ा। इसके बाद हम सीधा निकल पड़े अपने जर्नी की ओर। सो गाइस, ये है हमारा रास्ता जहाँ पे हम दूसरी बार जा रहे थे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि मन कर रहा था कि बस यहाँ पे वीडियो बनाओ, बस यही मन कर रहा था। तो हम यहाँ से निकलते गए, लॉन्ग, काफ़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि काफ़ी लंबी जर्नी जिसे कहते हैं स्कूटी पे हमने ये करी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और भैया भी हमें काफ़ी अच्छे मिले। हमने काफ़ी अच्छे, मतलब रेट पे हमने ये स्कूटी उनसे हमने ली। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर ग्रीनरी, सब कुछ कितना बढ़िया, एकदम मौसम भी एकदम बढ़िया। गोवा जाने का हमारा ये प्लान जो था, ये काफ़ी अच्छा रहा हमारा इस टाइम पे जाने का। और एकदम ठंडी हवा लग रही थी, मैं तो अपने शर्ट का पूरा एकदम खोल के बटन मस्त एकदम चला रहा था। तो मुझको मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग मोस्टली ऐसे चलाते हैं, दो तीन बटन खोल के। सो प्रियंका यहाँ पे हमारे साथ वीडियो बना रही थी, और पीछे से वीडियो बना रहा है। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये वीडियो बना रही है। तो ये भी काफ़ी इन्जॉय करते हुए हमने ये पूरा वीडियो हमने बनाया। और इसके बाद हम जब पहुँचने वाले थे, तो यहाँ पे आप ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे हमारी लास्ट टाइम हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। हम उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था, उसके चक्कर में हम कितना दूर गए लिफ्ट मांग के, वो हमें पता है। सो गाइज, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने बीच पे। और ये बीच इतना सुंदर बीच था जिसका कोई आइडिया नहीं है। सो गाइज, ये है वो बीच जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। और काफ़ी थोड़ा सा, मतलब 2-3 किलोमीटर के आसपास का ये नीचे का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हमने ये वॉक करने के बाद हम नीचे पहुँचे, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी जिसका कोई आइडिया नहीं है। सो ये है वो बीच, आप तो देख रहे हो सुंदर, और पानी इतना साफ पानी जिसका कोई आइडिया नहीं, और ठंडा पानी एकदम। सो यहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय करा। और मैं ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते मेरा पाँव भी काफ़ी स्लिप कर रहा था। एक्चुअली मैंने चप्पल पहन रखी थी, तो मैं ऊपर गया। और यहाँ पे हमने नहाया भी है, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग पे। और बने रहिए हमारे साथ साउथ गोवा की ब्यूटीफुल जर्नी के साथ। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।